नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मूली के पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू पराठा, मटर पराठा तो बहुत आपने खाए होंगे, पर इस प्रकार से आप मूली का पराठा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूली का पराठा बनाना। मूली का पराठा बनाने के लिए यहाँ मैंने दो मूली लिए हैं, उसे अच्छी तरह से मैंने छील के धो लिए हैं। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे मूली को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम 2 कप आटा डालेंगे, लगभग 300 ग्राम। अब इसमें हम थोड़ा सा मंगरेला डालेंगे, जिसे हम काला लौंजी कहते हैं, क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन क्रश करके मैंने यहाँ डाला है, पूरा कद्दूकस कर लिए थे। और बहुत सारा धनिया के पत्ते डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके सान लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, जो मूली का पानी उसी से आपका आटा सना जाएगा, इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी पानी ना डालें। इस तरह आप कीजिएगा तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट और नरम गूँथ लीजिएगा। बस इसे आप फटाफट बनाने की तैयारी कर लीजिए। आटा आप सान के रखें नहीं तो वो पानी छोड़ देंगे, इसलिए आप तुरंत ही इसे बनाना स्टार्ट कर दें। अब इसके हम लोइया काट लेंगे और थोड़ा सा आटा लगा के इसे हम बेलना स्टार्ट कर लेंगे। मूली का पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस तरह बनाना बहुत ही ईजी होता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यह बहुत जल्दी फटाफट बन के तैयार भी हो जाता, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। आप इसे पूरी की तरह तल भी सकते हैं। इसे हम एक तवा गरम कर लेंगे, उसमें डाल के सेक लेंगे। इस तरह से पराठा बनाने से खाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसके ऊपर आप तेल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से इसे आप सेक लीजिएगा। इसे आप मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, ज़्यादा तेज आंच में नहीं बनाइएगा, वरना वो जल जाएगी या मूली अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। इसलिए जब भी आप मूली का पराठा बनाएं तो गैस का फ्लेम मीडियम में रखें। देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से मूली का पराठा को सेक लेंगे। ये लीजिए हमारा मूली का पराठा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे अचार, चटनी, चाय, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये लीजिए हमारा सारा मूली का पराठा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।